I think the girls with their nails done now. वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और WWE 2K22 के ट्यूटोरियल वीडियो में। आज हम लोग सबसे आसान तरीके में सीखने वाले हैं कैसे आप अरीना को मॉड कर सकते हो, मजे ले सकते हो अरीना को खेलकर, लेटेस्ट अरीना लेकर। तो यार हम सीखने वाले हैं, और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया था जैसे हम कैरेक्टर को मॉड करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। पर आज हम सीखने वाले हैं अरीना, अभी पूरा फोकस हमारा रहेगा अरीना पर। तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले एक्सट्रीम रूल्स और सर्वाइवर सीरीज दोनों करने वाला हूँ एक साथ। और एक्सट्रीम रूल्स 2022 का अरीना है, सर्वाइवर सीरीज 2021 का अरीना है, बड़ा स्क्रीन वाला। क्योंकि 2022 का जो अरीना है, जो अभी अभी आया है एक दो दिन पहले वॉर गेम्स का, वो ग्लिच कर रहा है बहुत लोगों का, मेरा भी किया है। और मुझे पता नहीं कैसे करना है सब ठीक, तो मैं जब सीख लूँगा तो आपको भी सिखा दूँगा, तो आप टेंशन मत लेना। बाकी सब मॉड्स आप इंस्टॉल करके खेल सकते हो, क्योंकि सारे मॉड्स मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं। पर जो सर्वाइवर सीरीज 2022 का है वो मैं फेल हो चुका हूँ, वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो जब मैं वो कर दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप वो खेल सकते हो। तो आज हमारा फोकस रहेगा ये वाले अरीना में, एक्सट्रीम रूल्स 2022 और सर्वाइवर सीरीज का। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है, और बहुत आसान काम है वो। आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रहेगा मॉडेड अरीनास, और ये फोल्डर आप कहाँ पे भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर आपका गेम इंस्टॉल है वहाँ पे ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैरेक्टर वाला जो हम बेक करते फोल्डर, उसमें आपको 2K22 के फोल्डर में ही बनाना है। पर आप अरीनास में अगर कर रहे हो मॉडिंग, तो आप ये कहाँ पे भी कर सकते हो। तो मैंने ये बिग वन यानी कि डी फोल्डर में किया है, और जो मेरा गेम है वो जे फोल्डर में इंस्टॉल्ड है। मैं डी में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देख सकते हो कितना स्पेस है। अरे यार आना क्या कर रहा है, 2 TB का हार्ड डिस्क है इसीलिए बहुत ज़्यादा जगह है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ क्यों कर रहा हूँ। ये देखो 2 TB का है इसलिए बहुत जगह है इसमें करने के लिए। तो आपने ये फोल्डर बनाया, और ये कैसा बनाना है आपको पता है ना, ये राइट क्लिक न्यू फोल्डर और मॉडेड अरीना लिखना है फोल्डर में, और एम और ए कैपिटल होना चाहिए याद से, वरना आपका मॉड होगा ही नहीं। इसको कैपिटल रखना है एम और ए को, और आप देख सकते हो ये फोल्डर बनाना कहाँ पे भी बना सकते हो आप, टेंशन की बात नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ये आपने बनाया मॉडल अरीनास एम कैपिटल ए कैपिटल, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है इसके अंदर, सेकंड स्टेप आपको और 3 फोल्डर बनाने हैं जिसका नाम है बेक्ड 08, बेक्ड 09 और बेक्ड 10। इसके अंदर मॉडल अरीनास जो आपने बनाया उसके अंदर और 3 फोल्डर बनाने हैं। आप देख सकते हो सब स्मॉल लेटर रहेगा, ये कुछ कैपिटल नहीं रहेगा। और ये बनाने के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है, तीनों फोल्डर के अंदर आपको ये मॉड्स बनाना है, तीनों फोल्डर के अंदर। हालांकि हमारा काम का सिर्फ ये रहेगा बेग 09, पर तीनों फोल्डर में आपको बनाना है अंडरस्कोर मॉड्स, जो कि हमने कैरेक्टर में भी देखा था। ये तो करना ही रहता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। थर्ड स्टेप, सारे बेग फोल्डर के अंदर आपको मॉड्स बनाना है। 08 में बनाया, 09 में बनाया, 010 में भी बनाया, और आप देख सकते हो कि ये कुछ काम का नहीं है, तो भी बना के रखो, रिस्क नहीं लेने का बना के रखने का। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, पर तो भी मैंने बना के रखा है। पता है ना कैसे इसके अंदर न्यू फोल्डर में जाके आप कर सकते हो मॉड्स बनाने का, अंडरस्कोर मॉड्स। बैक स्पेस के प्लस के लेफ्ट में जो दिखता है वो बटन, शिफ्ट दबा के अंडरस्कोर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तक अगर आप समझ रहे हो तो लाइक करना वीडियो को अब तक। और ये देखो आपने मॉड्स बनाया तीनों में, ये हमारा थर्ड स्टेप है। अभी फोर्थ स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इसे एक्सट्रैक्ट करना है। दोनों को मैं साथ में करता हूँ, क्योंकि दोनों साथ में करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक एक करके करना, एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक करके आप कर सकते हो आराम से। ये दोनों साथ में एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जल्दी हो जा जल्दी हो जा। ये रहा हो गया, ये देखो ये दोनों मैंने साथ में किया है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप देख सकते हो कि जो मॉडर रहता है ना, वही आपको लिख के देता है कि बेक दिस फोल्डर। तो भी पता नहीं लोग क्यों गलत गलत फोल्डर बेक कर देते हैं और नहीं होता। ये थीम तो कुछ काम का नहीं, अगर आपको थीम डालना है तो ये साउंड एडिटर में आपको काम करना होगा, जो कि हम नहीं करते यार, हमें डालने का ज़रूरत ही नहीं है। जल्दी करो, अभी ये हम एक्सट्रीम रूल्स कर रहे हैं, बेक दिस फोल्डर में जाना है।
जो आप एक्सट्रैक्ट करोगे ना फिर अरिना में, वहाँ अंदर रहेगा बिग दिस फोल्डर, अरे चार चीज़ें कॉपी कर दो और पेस्ट कहाँ पर करना है ध्यान से देखना, ध्यान से आपने बनाया था वहाँ पे जाओ। और 9 में जाना, 8 और 10 में मत जाना, 9 में जाना, कंपलसरी 9 में जाना है आपको। 8 में करोगे तो आपका कैरेक्टर और मिक्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, या तो कैरेक्टर चलेगा या ये अरिना चलेंगे, दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। 10 में नहीं करना है, 10 में एक एक्स्ट्रा कैप रख देने का। 9 में जाके जो आपने मोड बनाया है उसके अंदर आपको ये पेस्ट करना है, और ये मेरे को रिप्लेस बोल रहा है क्योंकि मैंने पहले से डाला हुआ है, मैं तो आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पेस्ट करना तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद कहाँ पर गया, फाइल्स कहाँ पर गया, फाइल्स फाइल्स फाइल्स, ये रहा। हमने एक्सटेंड रूल्स किया था, अभी हम सर्वाइवर सीरीज करेंगे। यहाँ पे भी देखो बेक दिस फोल्डर, हर जगह आपको ये लिख के आएगा ये फोल्डर, तो टेंशन भी लेने का, मैं दोनों साथ में कर रहा हूँ, पर आप लोग एक एक करना, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो साथ में करने की कोशिश मत करना क्योंकि बहुत हार्ड रहता है। फर्स्ट टाइम मेरे भी सच में फट के हाथ में आ गई थी, मैं नहीं कर पाया था यार, बहुत टाइम लगा मुझे समझने में कैसा किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप आप समझ चुके हो कि बेक 9 में ही करना, 8 और 10 छोड़ देना, 9 में आपने फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और आपका काम यहाँ पे हो चुका है। चलो आपका काम यहीं पर हो चुका है। अभी सबसे सिंपल स्टेप जो आपने कैरेक्टर में भी किया है, रिलीज ढूंढो जो केक टूल है आपका, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो फटक से। उसके बाद ये शुरू होगा, फाइल में जाओ, पेक का फोल्डर, और आप ये ढूंढो मोडेड अरिना जो आपने बनाया है, ठीक है, कहाँ पर है ये रहा। और 9 लेना क्योंकि आपने 9 में कॉपी पेस्ट किया, 8 और 10 मत लेना क्योंकि वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया ही नहीं, 9 में ही करना यार, 8 में मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8 में करोगे तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, कोशिश भी मत करना, 10 में तो करना ही मत, 9 में करो। यहाँ पे क्लिक करो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, मॉड्स में सिलेक्ट फोल्डर और ये 9 रखना, 8 रहता है एक कैरेक्टर और जीएफ के लिए, 9 अरिनास के लिए, याद से 9 रखना यार वरना पोपट हो जाएगा आपका, कसम से बोलता हूँ, पूरा गेम गहन हो जाएगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। 9 रखना, ओके करो, सिंपल। इसके ये जो होएगा इसके बाद आपका काम हो ही चुका है। तो यार जब तक ये होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 1K तक पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्दी पहुँचना है हमें, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और मुझे बताओ कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करना, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहो, मिलते हैं इसके बाद। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो बेक्ड हो चुके हैं फोल्डर, जो हमने बेक 09 बेक किया था वो हो चुका है, अभी हम इसे करेंगे ओके, और आपका सब काम हो चुका है, बस लॉन्च कर दो। मैं यहाँ से ही लॉन्च करता हूँ क्योंकि यही से करना सबसे आसान दिख रहा है मुझे, कौन जाएगा इतना मेहनत करने का। थर्ड पार्टी ऐप है पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑफिशियली WWE का ही है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐप्स ऐसे जिसमें कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी गेम्स बैन हो जाते हैं, कभी कभी यार, फीफा का भी जो मॉड रहता है ना वो भी बैन कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो गेम वालों ने ही बनाया है उसे। चलो यार ये गाना शुरू होने से पहले गेम लोड हो जा, और हो ही गया रहेगा क्योंकि आज तक हुआ है तो अभी भी होना ही है। चलो फटाफट हम देख लेते हैं मॉड हुआ कि नहीं, ये देखो पीछे हॉलीवुड लिख के आ रहा है, ये भी मॉड ही है, आप लोग देख सकते हो, ये रहा, आप देख सकते हो मॉड हो चुका है, अरिना बिल्कुल बदल चुका है, और सर्वाइवर सीरीज कहाँ पर है ये देखो, ये भी मॉड हो ही चुका है, आप देख सकते हो बड़ा स्क्रीन आ चुका है, एकदम सिंपल है भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसे हम टेस्ट करता हूँ मैं फटाक से, ये देखो मैच शुरू हो रहा है, तो यार मॉड हो ही चुका है। तो आप लोग को कुछ भी दिक्कत आता है तो आप सीधा कमेंट करना मुझे, मैं आपको बता दूंगा कैसे उसे ठीक कर सकते हो आप। और बस सर्वाइवर सीरीज 2022 वॉर गेम्स मत करना इंस्टॉल प्रो रेस्टिंग मॉड से, क्योंकि उसका कुछ ग्लिच हो चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, मुझे भी आ रही है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। ये देखो ये अरिना सर्वाइवर से, ये एक्सट्रीम रूल्स का अरिना जिसमें ब्रेव आयट भाई साहब रिटर्न आए थे, देखो कुछ इसमें कुछ ग्लिच नहीं आता, बाकी कुछ भी अरिना में ग्लिच नहीं आता, बस एक ही अरिना में ग्लिच आया आज तक, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आया। ठीक है ठीक है,
ये देखो कुछ भी ग्लिच नहीं आ रहा है, एकदम फास्ट चल रहा है गेम, स्मूथ एकदम जैसे चलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होगे अरिना कैसे मॉड करते हैं, सारे अरिना ऐसे ही मॉड करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।